dynamic success the junior college enter to win masters in mpc and bypc assalam alaikum nazreen aaye nazalte hain desh ki rajdhani nayi delhi aur uttar pradesh se kuch khas khabron par केंद्र सरकार जब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने का प्लान लाई है तब से ही ये परियोजना पर्यावरणविदों से लेकर इतिहासकारों और समाज के अलग अलग लोगों के बुद्धिजीवियों के निशाने पर रही है। अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक अमानतुल्ला खान का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक ट्वीट करके केंद्र सरकार को एक तरह से चेतावनी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने गुरुवार यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर आश्वासन मांगा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना की वजह से किसी भी मस्जिद को कोई नुकसान ना हो। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक खान ने लेटर में कहा कि सोशल मीडिया पर इस बात की चिंता दिखाई जा रही है कि परियोजना के चलते कुछ मस्जिदों को तोड़ा जा सकता है। साथ ही अमानतुल्ला खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना की वजह से मानसिंह रोड पर जापतागंज मस्जिद, उपराष्ट्रपति आवास की मस्जिद और कृषि भवन की मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस बारे में हम प्रधानमंत्री ऑफिस और हरदीप सिंह से बात करेंगे और किसी भी हालात में इन मस्जिदों को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास वैक्सीन है लेकिन किसी भी राज्य सरकार के पास अपने यंगस्टर्स को फ्री में लगाने के लिए वैक्सीन ही नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास इतनी ज्यादा वैक्सीन क्यों है, क्या केंद्र सरकार उन्हें पिछले दरवाजे से ये वैक्सीन दे रही है। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने आगे ये भी बताया कि भारत में वैक्सीन की इतनी ज्यादा किल्लत होने के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रही है और बीजेपी के बड़े नेता केंद्र की नाकामियों को छुपाने के लिए बयानबाजी करना नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही बीजेपी के नेता नींद से जागे और गंदी राजनीति करने के बजाय देश की जनता के लिए वैक्सीन दिलवाएं, क्योंकि जनता सवाल पूछती है कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन के लिए ग्लोबल ऑर्डर क्यों नहीं दिए, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों में क्यों और कितने में बेची, लेकिन बीजेपी नेता इन सवालों का कोई जवाब नहीं देते हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि अब बीजेपी के नेताओं को बताना हो कि भारत के यंगस्टर्स के हिस्से की वैक्सीन विदेशों में क्यों बेची, वैक्सीन के लिए जारी किया गया 36,000 करोड़ का बजट कहाँ गया, भारत में वैक्सीन बने 8 महीने हो चुके उसके बावजूद देश में वैक्सीन क्यों नहीं है। इस मामले में आप विधायक आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन दे रही है लेकिन दिल्ली के लिए केंद्र के पास वैक्सीन नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बिलासपुर से खबर आ रही है कि जुनैदपुर, तालड़ा और झालड़ा गाँव में पिछले 3 दिन में 50 लोग मोमोज की चटनी खाने से बीमार हो गए। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 8 लोगों में ही फूड पॉइजनिंग की बात कही है। सभी को बिलासपुर और रघुपुरा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के मौसम की वजह से भी बीमार होने की बात कही जा रही है, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि तालड़ा में लोकेश मोमो शॉप है, यहाँ तालड़ा, झालड़ा और जुनैदपुर गाँव के कुछ लोगों ने मोमोज और चटनी खरीदी थी। इसे खाने के बाद लोगों के पेट में दर्द के साथ दस्त और उल्टी शुरू हो गई। आपको बता दें कि मंगलवार को तालड़ा में 37, झालड़ा में 7 और बृहस्पतिवार को जुनैदपुर में 6 लोग बीमार हो गए। कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के बाद एडमिट कर लिया गया जबकि कुछ को दवाई देकर घर में आराम करने को कहा गया। साथ ही ग्रामीणों ने मोमोज की चटनी खाने से लोगों के बीमार होने की शिकायत जिला प्रशासन से भी की है। इसके बाद जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम पहुंचने के बाद लोकेश की दुकान से मोमोज, चटनी, रिफाइंड ऑयल, चाउमीन मसाला, सॉस के कुछ नमूने इकट्ठे किए। तो वहीं जिला अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि नमूने टेस्ट होने के लिए लैब में भेजे जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले में कोई भी रिटर्न शिकायत नहीं दी गई है, शिकायत मिलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। दादरी से खबर आ रही है कि कोतवाली एरिया में कैब लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास बृहस्पतिवार यानी कल रात हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि अफजल, मेराजुद्दीन, असलम और शौकीन नाम के लोगों
ने ओला कैब बुक करके दिल्ली के आनंद विहार से ग्रेटर नोएडा आ रहे थे। दादरी कोतवाली एरिया में सेक्टर जू थर्ड के पास पहुंचे तो आरोपियों ने तमंचे के बल पर कैब ड्राइवर मोहम्मद इस्लाम के साथ मारपीट की और कपड़े से हाथ और पैर बांधकर उसे जंगल में फेंक दिया। इसके बाद बदमाश कैब लूट कर भाग गए। ये खबर मिलने पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। बृहस्पतिवार यानी कल रात स्कॉलर स्कूल के पास से ईस्टर्न पैरफिल्ड एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे बदमाशों को पुलिस ने जाँच के लिए रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें अफजल के पैर में गोली लगी। बदमाश कैब छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने अफजल, असलम और मेरजुद्दीन को गिरफ्तार किया जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर शौकीन वहां से फरार हो गया। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और लूटी हुई कैब बरामद कर ली गई है। तो वहीं प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार त्रिपाठी का ये भी कहना है कि घायल अफजल पर उत्तराखंड की मंगलौर कोतवाली में 4 मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। वहीं मौके से फरार एक आरोपी शौकीन की तलाश पुलिस कर रही है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BIPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. Phone 0402970124. An Institute of Success Schools.